तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। इसका नाम है लाइव दोगुना। मैं हूं राहुल, ये रवि। बिल्कुल दोस्तों, और फिर से एक बार हम आ गए हैं एक नए बियर के रिव्यू के साथ। लास्ट कंपनी पुरानी, अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो में हमने एक रिव्यू किया था, एक बियर का रिव्यू किया था। सोम कंपनी से आई थी, वो हंटर नाम था उसका, और हमें बहुत पसंद आई थी। और राहुल ने भी बोला था कि और उसके वेरिएंट हम ट्राई करते रहेंगे उसी कंपनी के। तो आज राहुल फिर से उसी सेम कंपनी की एक और वेरिएंट लेके आया है। ये है वीट बियर, है ना? ये वीट बियर, यस। हाँ, तो इसकी बॉटल हैंडक्राफ्टेड फिल्टर्ड वीट बियर है। यस, बॉटल एग्जैक्टली वैसी ही है, सेम। इवन इसके बोतल पे हंटर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। बट इसका नाम इन्होंने रखा है वुड पैकर, तो थोड़ी सी इन्होंने कंजूसी दिखाई है यहाँ पे। एक अलग बोतल बना सकते थे, एक अलग पहचान दे सकते थे, बट इन्होंने सेम बोतल इस्तेमाल करी है, बस कलर चेंज कर दिया बोतल का। पहले ग्रीन थी, अब ब्राउन कलर की बोतल कर दी है। बाकी ब्रांड पैकेजिंग नया है वुड पैकर, ये हंटर से बेटर लगा मेरे को, ठीक है। थोड़ा सा इंडियन इफेक्ट आ रहा है, थोड़ी इसकी पैकेजिंग मेरे को काफ़ी पसंद आई वो हंटर के मुकाबले, जबकि इसको अवार्ड हंटर पे मिला है बेस्ट पैकेजिंग का। हाँ, बट मेरे को इसकी पैकेजिंग बेटर लगी। बॉटल भी ब्लैक एंड येलो, थोड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन आता है, तो ब्लैक एंड येलो कर रखा है। टॉप इसका येलो दे रखा है और अच्छा कैप भी अच्छा दे रखा है इन्होंने, येलो कलर का अच्छा लग रहा है। और इधर की जो पैकिंग है इसे ब्लैक एंड येलो कलर की है, तो मेरे को पसंद आई। बिल्कुल, तो इसमें जो इंग्रेडिएंट है ऑलमोस्ट सेम है जो पहले हमने बताए थे आपको, बस इसमें वीट ऐड कर रखा है। बाकी माल्टेड बार्ले, शुगर, राइस, मेज, मिलेट, कॉर्न सिरप, एक्स्ट्रा शुगर ऑलरेडी ऐड की हुई है। तो अगेन जैसे लास्ट टाइम मैंने बोला था, जो अपनी बियर में शुगर पीना पसंद नहीं करते हैं, कृपया ध्यान रखें इस बियर में शुगर है। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि इसका अल्कोहल कंटेंट कम है। हाँ, उसका ज़्यादा था, उसका 8% था, इसका 5% है। तो ये कम नशा देगी। हाँ, ये एंजॉय करने वाली बियर है और वो नशा करने वाली बियर है। जो पहले कह रहा था उसके अंदर अल्कोहल कंटेंट भी ज़्यादा था और उसका नशा भी सुरूर भी अच्छा था। बिल्कुल, ओपनर इससे पहले कि मैं इसको खोलूँ, जाके जल्दी से रेसिपी देख के आओ, बड़ी देर से रखी हुई है, ठीक है, भूल ही गए थे हम भूल गए। हाँ, तो इसकी रेसिपी देख के आओ और फिर इसके बाद इसका उद्घाटन के उद्घाटन करेंगे, है ना? वेल दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट है। राहुल की मम्मी जी ने कुछ छोले उबाल रखे थे, ठीक है, काले और सफ़ेद वाले, तो वो थोड़े से बच गए थे कटोरी रात के, मैंने उसी का एक बढ़िया सा चखना सिंपल सा बना दिया, है ना? मम्मियाँ और बीवियाँ रात के बचे हुए का परांठे और फ्राइड राइस बनाती हैं, हम चखना बना लेते हैं और हम चखना बनाते हैं, ये बहुत सही है ना। तो इसमें नॉर्मल जो घर पे इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे आपको, वो सारे के सारे, बाकी जो आपको एक्स्ट्रा ऐड करना वो ऐड कर सकते हो। और नींबू ज़रूर डालना, इस चटनी में बिना नींबू के टेस्ट आएगा नहीं। मैंने थोड़ी दो चटनी इस्तेमाल करी है, एक आपको क्या कहते हैं इमली की चटनी और साथ ही साथ इसमें आपको हरी चटनी, ठीक है, टेस्ट आएगा इसका, थोड़ा सा आपको चाट जैसा टेस्ट आएगा। तो कोई भी चखना बिना नींबू कम्प्लीट नहीं होता, तो पहले नींबू निचोड़ लेते हैं। ये इंडियन देसी चटना होता है ना इस टाइप का, ये कभी गलत हो ही नहीं सकता। मैं जब बना रहा था ना, तो मैंने भी चखी और भाई क्या लगी,
ढंग से भाई पाएगा। मजेदार, जिनको तीखा चखना पसंद है ना उनके लिए स्वर्ग है, और जिनको जिनको नहीं पता उनके लिए तो आपको बताइए क्या दूसरा वाला क्या होता है। देखिए मैं कहूँगा पार्ट ऑफ दिस चखना अच्छा है, खट्टापन, लेकिन इसका बेस्ट पार्ट इसमें जो मीठापन जो आ रहा है ना इमली और उसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा कर रहा है, वो खाना है बहुत मज़ा आ रहा है इसको। चलो भाई पोर करते हैं, मैं खोलूँगा एक बार, ये लो पिछली बार अगली बार पानी क्या था ना। No God! No God! Please no! No! ओ हो, आपने तो कुछ कराई नहीं। भाई बोतले को करा का है आपने? मिला दिया मैं। मैंने तो मिलाया था, तुमने मिलाया है। भाई बोतल है क्या, ये विस्फोट है। Oh my God! कॉमेडी हो रही है, कॉमेडी हो रही है भाई। इस बार तो हिलाए भी नहीं थे वो तो। और भाई ये सारी बोतलें ना रूम टेम्परेचर पे रखी हुई हैं, इनमें ना कोई वो भी नहीं है कि हम ठंडी करके हम चिल्ड करके सर्व कर रहे हैं, वो भी नहीं है। मेरे को लग रहा है इसका जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है ना वो रुका नहीं है, तो इनमें गैस ना ढंग से बनी हुई है। हाँ ठीक है, अच्छी पैकेजिंग अच्छी है, पर थोड़ा ध्यान से रखना, अगर घर पे ले आओ ना डायरेक्ट फ्रिज में डाल देना, पता चले कि कहीं पर रख दियो ब्लास्ट कर गई वो गैस की वजह से। ये होता है कभी कभार घर पे भी, जैसे मैं बियर बनाता हूँ अपनी खुद की करता हूँ, अगर आपने ये अभी तक डाला नहीं, डालूंगा जरूर इस बार सर्दियों में। मैंगो बियर, पाइनएप्पल बियर, और सबसे फेवरेट मेरी अदरक वाली बियर जो कि राहुल को भी बड़ी पसंद है। लॉकडाउन में बनाई थी हमने, लॉकडाउन में बनाई थी भाई, क्या टेस्ट आया था, क्या उसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती आपको पहले ये घर पे तो आप बना सकते हो, ब्रूरी इसकी भी रेसिपी डालूंगा मैं थोड़ी सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हो बाकी। हाँ तो उनके साथ बस यही ख्याल रखना पड़ता है कि एक तो हाई डेंसिटी बॉटल चाहिए होती है, और कब चेंज करना है, और उसकी गैस रिलीज करनी पड़ेगी अगर घर पे बना रहे हो, क्योंकि वो ब्लास्ट कर जाती है, बस यही दिक्कत है ना। अब जैसे कि पिछली बार में राहुल ने कांड किया था, भाई मैं तो बता नहीं सकता इस टाइम ने कहां तक पीछे कहां तक बजाया उसने भाई। भाई ये वाला भाई बहुत अमेजिंग भाई, अलग ही मजा आ गया भाई, ऐसे जा रहा सर की तरह। तो फाइनली बक्मा गवाते हुए देखते हैं इसका अरोमा गैस। वैसे इसका फ्रॉथ काफी देर से रुका हुआ है भाई, है ना, बहुत ही माइल्ड, बहुत ही लाइट, वीट का इतना अच्छा इसका अरोमा आ रहा है ना कि मैं तो पूरी बॉडी पे इसका फ्लेवर ले रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले जो हुआ है उसके बाद पूरी बॉडी पे इसका अरोमा आ रहा है। बैठे हुए हम लोग, मतलब मैं एक चाय टेस्ट चाय कैसा भी हो बट ओपनिंग एक्सपीरियंस ना इतना फनी है दोनों बोतलों का। वो सेम कंपनी की भाई, सेम कंपनी की दोनों बोतल। चलो भाई टेस्ट करते हैं, चीयर्स। जैसा कह रहा है ना वीट बियर है बट ना मेरे को जो इनकी स्ट्रॉन्ग थी ना, हाँ उससे टेस्ट थोड़ा सा एक नॉच नीचे लगा इसका। हाँ। थोड़ा सा ज्यादा मेरे को इसमें ना वाटरी वाला इफेक्ट लगा, ये ज्यादा मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा ना ऐसा लग रहा है जैसे पानी है। बहुत ही ज्यादा माइल्ड सी बियर है ये, बहुत ही ज्यादा मतलब वैसी आ रही है बियर का ज्यादा फ्लेवर आ रही, लेकिन जो इन्होंने बोला है ना वीट वाला वो वाला प्रेजेंस पूरी है इसके अंदर। कलर भी बहुत अच्छा है इसका वीट बियर का, लेकिन मैं इस चीज में जाऊंगा कि दोनों में डिफरेंस इन्होंने रखा है, डिफरेंस है दोनों में, अच्छा बात है ये चीज, ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों बियर बिल्कुल कॉमन नहीं है, दोनों बियर अलग है, तो जैसे कि अच्छी बात है कि दोनों में डिफरेंस इन्होंने क्रिएट कर रखा है, ये वाली वीट है और वो वाली प्रीमियम बियर थी, और अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसको जो एमपी के अंदर बनती है भोपाल के अंदर ही है, बिल्कुल इसकी ब्यूरिज्मा है, मिस्टर जे के अरोड़ा ओन करते हैं इसको आज के टाइम पे, एंड जैसे कि बताया था लास्ट वीडियो में भी भोपाल वाली ब्रूरी इनकी एशिया की लार्जेस्ट ब्रूरी है, काफ़ी प्रोडक्शन है, लगभग 23 स्टेट्स में मौजूद हैं आज के टाइम पे, ये 23 स्टेट्स में ये अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। मेरे को भाई 23 स्टेट बहुत होते हैं भाई, धीरे धीरे के बढ़ रहे हैं एज इन प्रोडक्ट वाइज, तेईस स्टेट में फैले हुए हैं बट प्रोडक्ट अब ये धीरे धीरे नए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मेरे को अगर मेरे को कंपेयर करना पड़े तो मेरे को टेस्ट प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग वाली का ज़्यादा पसंद आया ना, इसका
एक नॉच नीचे था टेस्ट, और भी मैंने वीट बियर जैसे पसंद है, जैसे मैं कहूँ कि अगर जिसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बियर पसंद है ना, अगर जो किंगफिशर प्रेफर करते हैं तो वो हंटर के ऊपर जा सकते हैं। अब बट यार सच बताओ ना, किंगफिशर और हंटर का कंपैरिजन नहीं कर सकते। किंगफिशर एक नेक्स्ट ही लेवल था, स्ट्रॉन्ग लाल बियर थी वो गले से उतरने में भी ना दिक्कत आती है उसको। ये दोनों की दोनों बियर्स आपकी स्मूथ हैं, फर्क क्या है कि एक नॉच ये वाली नीचे है टेस्ट में, इसमें लगता है कि थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, ऐसा फील होगा आपको। ठीक है, हंटर जबकि एक अच्छी बियर आपको फील होगी, बस एक सिंपल बियर है सच बताऊं तो। ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है, ज़्यादा टेस्ट प्रोफाइल आप इसमें फील नहीं कर पाओगे। सिट्रसी टेस्ट आता है, हॉपी टेस्ट आता है, बस मोर देन इनफ है। इससे ज़्यादा बकर इन्होंने करी नहीं है, ठीक है। और अल्कोहल प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा और जल्दी आई गेस इन्होंने शुगर ऐड किया हुआ है, इसकी वजह से थोड़ी मीठी लगती है। और लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये जो बियर है ना वीट बियर, ये 180 रुपये की। ये बात 180 रुपए की कैटेगरी में अच्छी वीट बियर और भी अवेलेबल है, मेरा सजेशन ये रहेगा। ठीक है, आप वो 110 की है, 130 की, 130 की है ना, तो वो फिर भी वर्थ इट है, वो काफी स्मूथ है। 130 के हिसाब से एक अच्छी बियर है, काफी अच्छा टेस्ट प्रोफाइल दे रही है उसको उस कैटेगरी में। बट ये 180 में थोड़ी सी हाई है, थोड़ी हाई है ना। बाकी देख के अच्छा लगता है कि अब इंडियन ब्रूरीज काफ़ी अच्छे अच्छे टेस्ट प्रोफाइल बना रही हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आ रही हैं। ये 126 टाइप की बियर है, जो सिर्फ हम लड़के नहीं, स्मूथ पीने वाली जो लड़कियां होती हैं वो भी इंजॉय कर पाएंगी। और अब और भी बहुत सारे हैं जो नए नए एंटर करते हैं इस फील्ड में, ठीक है, वो इंजॉय कर पाएंगे। मतलब धीरे धीरे ना चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं, इंडिया के अंदर ब्रूरीज आती जा रही हैं, कुछ पुरानी ब्रूरीज हैं वो भी नए प्रोडक्ट लेके आती जा रही हैं, तो उनसे भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें प्रोग्रेस हो रही हैं। तो ये था आज का बियर का वीडियो, हमने इसके दो वेरिएंट आपके साथ ला के रख दिए हैं। अभी आप उससे बताना कि आपको इसका और कौन से वेरिएंट का आपको रिव्यू चाहिए, अगर कोशिश करेंगे हम वो ला पाए तो आपके लिए रिव्यू जरूर करेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आज का आपका रिव्यू कैसा लगा, आज का वो चिकना कैसा लगा, और जो हमने फैलाया है वो आप कैसा लगा। डिस्क्लेमर, अब भाई बराबर हो गया, दो बोतल खोल चुके हैं, तो डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि बोतल को खोलते समय सतर्क रहें, सावधान है ना, फैल सकती है हाँ। बाकी उसके अलावा चिल्ड करके पीना, दोनों में मजा आएगा आपको। एंड जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव एंड ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए मेरी तरफ से, राहुल की तरफ से और लाइव दोगुना की तरफ से चीयर्स।